अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूँ शाहिद सदीकी। तो आज तो मैं वहीं पे आ गया हूँ जहाँ से मैं गुज़रा था, तो दोबारा से आपको सर्वे कराता हूँ अपनी पुरानी जगह का। ये जगह वो है, जब मैं कभी बोर होता हूँ, लॉन्ली महसूस करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता हूँ। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो लाजमी आप इस जगह को पहचान जाएंगे। जी तो ये वही मुर्गाबियाँ हैं, अब बड़ी हो चुकी हैं, जो कि 6-7 मंथ पहले मैंने, ये बच्चे थे उस वक़्त, उसी दिन ये पैदा हुए थे, यहीं पे पैदा हुए थे। ये जो इनका ये घर बना हुआ, यहाँ पे वो पैदा हुए थे। तो आज ये बड़े हो गए हैं, 7-8 माह का टाइम जो है इनको गुज़र गया, और ये माशाल्लाह इस वक्त बिल्कुल बड़े हैं और अपना पानी में एंजॉय कर रहे हैं। अब जब ये स्नो फॉलिंग होगी तो ये पानी जो है ये बर्फ़ बन जाएगा, इसके ऊपर और कुछ केमिकल्स वगैरह फेंके जाएंगे, और जब वो केमिकल फेंके जाते हैं तो फिर वो जो बर्फ़ होती है वो काफ़ी मोटाई में जो है ना वो बन जाती है, तो उसके ऊपर फिर लोग जो है स्केटिंग करते हैं आके। तो ये जो बच्चे मतलब अब तो बड़े हो गए, ये मुर्गाबियाँ हैं, तो इनको फिर निकाला जाता है यहाँ से ले के, तो फिर कहीं और रखा जाता है। तो फिर जब मौसम अच्छा होता है तो उसके बाद इनको फिर यहाँ पर लाया जाता है। जी तो इस जगह पर मैं 1985 से आता हूँ, क्योंकि मैं 85 में इस टाउन में शिफ्ट हुआ था। तो जब से मैं इस टाउन में शिफ्ट हुआ हूँ 86 गालिबन 1985 में मैं शिफ्ट हुआ हूँ, और मैं उस वक़्त से इस जगह पे आता हूँ। हाँ डेली तो मैं नहीं आता, लेकिन ये है कि वीक के अंदर एक मेरा चक्कर जो है यहाँ पर लाजमी लगता है। आप भी कभी जर्मन के शहर ऑक्सबर्ग में आए तो इस जगह का नाम है विटलबाखा पार्क, इसको कहते हैं विटलबाखा पार्क। ये बहुत बड़ा पार्क है। अब मैं ये यकीनन तो नहीं कह सकता रकबे के लिहाज से ये कितना बड़ा है, लेकिन ये है कि अगर आप पैदल इस पार्क में चलें तो 100% आप थक जाएंगे। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरे दिन में ये पार्क जो है आप पैदल घूम नहीं सकेंगे, बिल्कुल आप घूम सकेंगे पूरे दिन में, लेकिन ये है कि इसके साथ आप थक भी जाएंगे। और ये जो आपको हल्का हल्का सूरज नज़र आ रहा है, ये मेहमान है हमारा, क्योंकि इसके बाद ये सूरज शायद हमें 6 माह के बाद या 8 माह के बाद नज़र आए। चंद ही दिनों में स्नो फॉलिंग शुरू हो जाएगी और ये हमें नहीं नज़र आएगा। फिर अप्रैल मई जून में जाकर शायद अगर मौसम अच्छा रहा तो ज़्यादा स्नो फॉलिंग ना हुई तो फिर ये अपनी हमें शक्ल दिखाएगा और हम फिर इससे विटामिन डी लेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, स्पोर्ट करने के लिए,
टहलने के लिए। गर्मियों में इस पार्क में बहुत ज़्यादा रौनक होती है। वीकेंड के ऊपर तो जो नीचे जगह है बनी हुई, खैर बेंच भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पर, और जो यंग जनरेशन है वो तो अपनी चटाइयाँ बचा कर जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, अपना खाना वाना जो है उनका पीना वगैरह वो साथ ले आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं वीकेंड के ऊपर। तो ये हमारी गर्मियों की यहाँ पे रौनक होती हैं बहुत ज़्यादा। सर्दियों में वो चीज़ नहीं होती जो गर्मियों में होती है। यकीनन मेरे पुराने देखने वाले, उनको तो ये पता है ये कौन सी जगह। ये सामने एक बियर गार्डन है जो कि सर्दियों में ये बंद रहता है। अब सर्दियां क्योंकि आ चुकी हैं और हाँ स्नो फॉलिंग नहीं है लेकिन सर्दी है, तो गर्मियों के अंदर यहाँ पे बहुत रौनक होती है। गालिबन एक दो ब्लॉक में मैंने दिखाया भी है। और सर्दियों में ये सुनसान हो जाता है, मतलब सुनसान से मुराद के ये बंद हो जाता है ये बियर गार्डन, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है फिर लोग यहाँ पे बैठते नहीं हैं। गर्मियों के लिए, गर्मियों में इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, गार्डन बना हुआ है बियर गार्डन, अपना एंजॉय करते हैं यहाँ पे बैठ कर जो लोग मतलब आदि हैं इन चीज़ों के, वो अपना काफ़ी एंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो बहुत पुरसकून जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। मुझे जब भी टाइम मिलता है या मैं समझता हूँ कि मैं अब बोर हो रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यकीन जानिए यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो वैसे भी बहुत खूबसूरती आई हुई है, ये येलो कलर के जो पेड़ों से पत्ते जो है वो गिर रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरती ये अपनी जो है, मैं जो इनके कलर्स हैं इन पत्तों के, उनकी वजह से खूबसूरती दुबाला हो गई है। और कुछ लोगों को शायद ना अच्छा लगता हो लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, जैसा कि मुझे अच्छे लगते हैं और यकीनन बहुत सारे लोगों को भी अच्छे लगते होंगे। तो ये है जी वो मेरी मखसूस एक जगह जहाँ पे मैं तन्हाई के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पे बैठकर बाज़ औक़ात अपने आप से भी बातें करता हूँ। बहुत प्यारी जगह है, पुरसकून जगह है और बहुत मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा जब आप ये वीडियो देखते होंगे, मेरा ब्लॉग देखते होंगे। यकीनन बहुत पुरसकून जगह है ये। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिए और खुश रहिए अपने घर में। अल्लाह हाफिज़।